अपडेट भी आपको बताएंगे। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अच्छी खबर क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप फ्री है लेकिन ये करोड़ों की कमाई कैसे करता है, और जानेंगे और भी जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी बात। बड़ी बात, आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर जल्द आ सकती है। इससे ना सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी बल्कि पेंशनर्स के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। इसमें न्यूनतम वेतन और पेंशन में दुगना से ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार आठवें वेतन आयोग पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श मशीनरी, जिसे NCJCM भी कहा जाता है, इसके स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग की मांग पर विचार शुरू कर दिया है। गोपाल मिश्रा की माने तो जल्द ही देश में आठवें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रही है, ऐसे में विकास के साथ साथ कर्मचारियों के लिए भी बड़े कदम उठाने का समय आ चुका है। सवाल यह है कि 7वां वेतन आयोग कब खत्म होगा और 8वां वेतन आयोग कब चालू होगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किए गए 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 की फरवरी माह में किया गया और इसे सरकार ने 1 जनवरी 2016 में लागू कर दिया। अब 2025 दिसंबर में इस आयोग की अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस वर्ष या फिर अगले वर्ष शुरुआत में सरकार 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे सकती है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ कर्मचारियों को 20% तक भत्तों में भी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। ऐसे में ना सिर्फ कर्मचारी बल्कि पेंशनर्स भी मोटा लाभ कमा पाएंगे। अब तमाम बातों के जरिए 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो वेतन पेंशन की बढ़ोतरी की स्थिति क्या होगी। कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 2 गुना इजाफा होगा। न्यूनतम सैलरी भी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो जाएगी। अब जो पेंशन वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि 9,000 रुपए से आपकी पेंशन बढ़कर 17,280 रुपए हो जाएगी। अब पेंशन की एक और बड़ी बात, अगर आप भी पेंशन भोगी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि पेंशन भोगी पिछले काफी समय से ये मांग कर रहे थे कि पेंशन प्रणाली को अपडेट किया जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है तो उनकी बेसिक वेतन का, जो उनका बेसिक वेतन है, उसका 50% पेंशन दिया जाता है, लेकिन पहले 70% देने का नियम था जिसको खत्म किया गया है। अब इनकी मांग यह है कि अंतिम बेसिक वेतन का 67% पेंशन का भुगतान किया जाए। हालांकि सरकार ने अभी अंतिम सैलरी का 50% ही पेंशन के रूप में देने पर विचार किया है। अब देखना होगा कि सरकार पेंशन भोगियों की मांग को लेकर क्या फैसला लेने जा रही है। भारत पेंशन भोगी समाज ने एक और बड़ी मांग केंद्र सरकार से की है। इनका कहना है कि अगर 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% बढ़ोतरी है तो फिर पेंशन भोगियों में जीने की इच्छा पैदा होगी और उनमें एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसलिए इस कल्याणकारी योजना को तुरंत लागू किया जाए और इससे पेंशन भोगियों को फायदा मिल पाएगा। अभी तक नियम यह है कि जब पेंशन धारक की उम्र 80 साल होती है तो उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाती है, क्योंकि 80 साल उम्र ज्यादा है इसलिए इसका लाभ कुछ ही पेंशन भोगी उठा पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर 80 साल तक जीवित नहीं रह पाते। अब आपको DSP अकाउंट को लेकर भी कुछ जानकारी देते हैं। डिफेंस के पेंशन भोगी अपने पेंशन अकाउंट को DSP अकाउंट में बदल सकते हैं, उनको ढेर सारे इसके फायदे मिल पाएंगे। इसके लिए आपको बैंक जाकर एक एप्लीकेशन देना होगी, DSP अकाउंट में अपने खाते को चेंज कराना होगा। आपको ये बता दें कि सामान्य पेंशन अकाउंट में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है, लेकिन DSP पेंशन अकाउंट में व्यक्तिगत दुर्घटना होने पर बीमा कवर मिलता है।
दो महीने के वेतन के बराबर एडवांस में 40,000 रुपए तक आप निकाल सकते हैं, ये सुविधा होती है। और इधर केरल हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ा फैसला कर दिया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है, पेंशन देना या फिर ना देना ये किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है, पेंशन संविधान के द्वारा किए गए अधिकार का फल है, सरकार इसे किसी भी सूरत में रोक नहीं सकती है। हालांकि सरकार के पास इसमें संशोधन करने के अधिकार हर समय मौजूद रहते हैं। एक और बड़ी बात, भारतीय नौसेना ने इनसेट यानी कि भारतीय नौसेना नागरिक प्रवेश परीक्षा के लिए रिवाइज्ड एग्जाम प्रोग्राम जारी कर दिया है। टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन मुद्दों के कारण सितंबर में स्थगित होने के बाद CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा अब इसी महीने के आखिरी सप्ताह में आयोजित की जाएगी। जल्द ही इसके लिए एक नया एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि पहले नेवी सिविलियन की तरह यह परीक्षा 2024 में प्रस्तावित थी, लेकिन इसकी नई तिथि घोषित हो गई है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इसी महीने को ध्यान में रखकर अपना शेड्यूल बना सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट की ये परीक्षा 741 पदों पर है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को यानी कि एग्जाम देने वालों के प्रवेश पत्र इस महीने के तीसरे हफ्ते में जारी हो सकते हैं, जिसमें जो जानकारी अब तक मिल पा रही है उसके अनुसार आपको बता रहा हूं कि इसमें परीक्षा की पूरी जानकारी मौजूद है। भारतीय नौसेना नागरिक प्रवेश परीक्षा में एग्जाम पैटर्न क्या है तो आपको बता दें कि CBT में कुल 100 प्रश्न होंगे जो 4 खंडों में विभाजित होंगे। प्रत्येक खंड 25 अंकों का होगा। परीक्षा के विषय एक प्रकार है, सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए 25 अंक हैं, सामान्य ज्ञान के लिए 25 अंक हैं, संख्यात्मक अभिरुचि के लिए भी 25 नंबर भी हैं और अंग्रेजी भाषा के लिए भी 25 नंबर हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को इन सभी विषयों पर ध्यान देना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि नौसेना सिविलियन भर्ती परीक्षा में कई चरण होते हैं और इसमें पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करनी होती है, फिर उसके बाद पद के आधार पर उम्मीदवारों को PST यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा और कौशल परीक्षा भी देनी होती है। नेवी सरकारी नौकरी के अंतिम चरण में चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों को सत्यापन करता है और फिर उसके बाद उनका मेडिकल कराया जाता है और फिर आपको दे दिया जाता है नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर। अब आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं कि किन किन पदों पर ये भर्तियां निकलने वाली हैं और कितने स्थानों के लिए भर्तियां निकलने वाली हैं। ग्राफिक के जरिए अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, वैसे ही देश में बहुत सारे युवा परेशान हैं क्योंकि नौकरियां है नहीं है, बेरोज़गार घूम रहे हैं, इसलिए कम से कम हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार लोगों को या नौजवान लोगों को जानकारी मिल पाए, फॉर्म भर लें। अब उनको जॉब मिलती है कि नहीं मिलती ये उनका भाग्य है, उनकी मेहनत है, लेकिन कम से कम हम ईमानदारी से उन तक ये सूचना पहुँचा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सूचना नहीं मिल पाती है। बहुत सारे गाँव ग्रामीण इलाके के लोग हैं उन्हें ये जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन हम जिम्मेदारी से अपने इस कार्यक्रम में ये तमाम सारी चीज़ें ये खबरें आपको देते हैं। आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, फालतू की बहस वहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन कम से कम जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उस मुद्दे पर तो युवाओं को जानकारी उपलब्ध कराएं, क्योंकि आप माध्यम हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। चलिए, ग्राफिक के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ जा सकते हैं, यानी कि भारतीय नौसेना नागरिक प्रवेश परीक्षा के लिए जो वैकेंसी है उनकी डिटेल क्या है इसको समझ लीजिए। वैकेंसी डिटेल जो कि इनसेट की है, फायरमैन की नौकरियां निकली हैं कितनी, 444 नौकरियां निकली हैं, ट्रेड्समैन की निकली हैं 161 और 58 जो जॉब हैं वो फायर इंजन ड्राइवर के हैं। इसके साथ साथ 18 जो हैं वो पेस्ट कंट्रोल वर्कर हैं उनके हैं। इसके साथ साथ चार्जमैन मैकेनिक उसके 18 पद हैं, 16 पद हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ के और 10 पद हैं फैक्ट्री में जो चार्जमैन होते हैं उसके, 9 खाना बनाने वालों के लिए हैं यानी कि रसोइये के लिए, 4 साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए हैं और 1 पद है चार्जमैन गोला बारूद वर्कशॉप उसके लिए है। क्योंकि जब नौकरी की बात हो ही रही है तो फिर कुछ और भी आगे आपको जानकारी दे देता हूं नौकरियों की, या जो तमाम मेरे बेरोजगार साथी हैं उनके लिए। असल में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है आपके लिए।
वो खबर क्या है, राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में एक घोषणा कर दी। घोषणा क्या की है, वो कहते हैं कि रीट 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन 25 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अब राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स को लेकर ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। अच्छी खबर है बेरोजगारों के लिए। वहीं रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट rajubard.rajasthan.gov.in पर यहां पर आप भेज सकते हैं। अब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राजस्थान के, उन्होंने ये बताया, यहां भी देखते रहिए आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, सुन भी सकते हैं और बड़े बड़े अक्षरों में देख सकते हैं, भाई नौकरी का सवाल है क्या जरूरी है। तो मदन दिलावर ने यह बताया कि रीट 2025 के लिए आवेदन शुल्क 2022 के समान ही रहेगा, मतलब आपको पैसा जो है 2022 में जो लगा था वही फीस भरनी है आपको। और रीट 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो कैसे डाउनलोड करें एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले वेबसाइट बता दी, अगर आपके हाथ में पेन हो, नहीं हो तो आप एक बार सुन लें, इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वेबसाइट बता देता हूँ आपको, rajubord.rajasthan.gov.in पर आप चले जाएं और वहां जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप ठीक से ध्यान से अच्छे से पढ़ लें। आवेदन लिंक को क्लिक करने पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। रीट लॉगिन के बाद आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है उसमें। आवेदन की फीस का आप ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं और जो सबमिट लिखा आएगा उसमें सबमिट का बटन दबा दीजिए, आपका आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा। भविष्य में जरूरत के लिए आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखें और जहां भी आप जाएं उसको साथ में लेकर जाएं। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर लेवल 1 और लेवल 2 या फिर दोनों के संबंध में अप्लाई कर सकते हैं। रीट परीक्षा 2 स्तर पर आयोजित होती है और इसके अनुसार आवेदन फीस भी अलग अलग होगी। रीट लेवल 1 प्राथमिक शिक्षक बनने की इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रीट 2 लेवल होती है और वहीं पर माध्यमिक शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए भी होगा। आपको यह भी बता दें कि रीट परीक्षा 2023 और 24 जुलाई 2022 को आयोजित हुई थी, अब यह दोबारा से होने वाली है। अब चूंकि बेरोजगारों की बात कर रहे हैं तो छात्रों की एक परेशानी की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों को 26,50,000 स्कॉलरशिप मिल पाएंगी, खुश हो गए ना आप, लेकिन करना क्या क्या पड़ेगा यह सुन लीजिए पहले आप। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया की गिनती दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक के तौर पर होती है, पढ़ाई के लिए यह दुनिया का सबसे टॉप देश माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कई सारी टॉप यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, यहाँ फीस महंगी है लेकिन स्कॉलरशिप मिलने से आपकी पढ़ाई आसान हो जाती है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने ग्लोबल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। सेमेस्टर 1 2025 से शुरू होने वाली स्कॉलरशिप पढ़ाई में होशियार छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ये स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कॉलरशिप के जरिए छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए उनकी आर्थिक मदद भी दी जाएगी। आपको बता दें कि UWA यानी कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की गिनती ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे संस्थानों में से एक के तौर पर होती है। इस स्कॉलरशिप को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही छात्रों को दिया जाएगा। दरअसल यूनिवर्सिटी ऐसा माहौल बनाना चाहती है जहां दुनिया भर से छात्र आकर आराम पढ़ाई से कर सके। 2025 की ग्लोबल एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए सबसे अच्छा मौका है। अब ऐसे में आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अंडर ग्रेजुएट छात्र किस तरह से इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं। असल में यहाँ पर ग्राफिक्स आपको दिखाई देगा, आप अच्छे से देख सकते हैं, बड़े बड़े
अक्षरों में आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि आप अगर जाना चाहते हैं, आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो पूरा करने पर आपको ट्यूशन फी में बड़ी कटौती सेमेस्टर एक 2025 से पढ़ाई शुरू करने वाले छात्रों को। स्कॉलरशिप के जरिए दो तरह की आर्थिक मदद मिलती है। पढ़ाई में बहुत अच्छे छात्रों को 4 साल के लिए 26.5 लाख रुपए मिलते हैं, और अच्छे नंबर वाले जो छात्र हैं 3 साल के लिए उनको 20 लाख रुपए मिलते हैं। स्कॉलरशिप का अमाउंट स्टूडेंट के ATAR यानी कि ऑस्ट्रेलियाई टर्शियरी एडमिशन रैंक पर निर्भर करता है। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रों को ये स्कॉलरशिप उनकी पूरी डिग्री तक मिल सकती है। उदाहरण के लिए बैचलर ऑफ फिलॉसफी, ऑनर्स ऑफ बैचलर ऑफ एडवांस कंप्यूटर साइंस ऑनर्स जैसे कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 4 साल की पढ़ाई के दौरान 48,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी कि 26.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब जैसे कि ग्राफिक के जरिए मैं आपको बता ही रहा था कि पोस्ट ग्रेजुएट जो छात्र हैं उनको किस आधार पर स्कॉलरशिप मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप सेमेस्टर 1 2025 में एडमिशन लेने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप पढ़ाई पर निर्भर करेगा कि उन्हें कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। आमतौर पर ये साल दो साल के लिए होती है। 24,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसमें मिलते हैं। स्कॉलरशिप पिछली डिग्री के नंबरों पर निर्भर करता है। जिन छात्रों के नंबर 65% आते हैं उन्हें आंशिक स्कॉलरशिप मिलती है। अब सवाल ये है कि एप्लीकेशन प्रोग्रेस क्या है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की इस स्कॉलरशिप के लिए किसी भी देश के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इसके जरिए जरूरी है कि उन्हें यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए ऑफर लेटर मिला। अब इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट छात्रों का ये स्कॉलरशिप तभी दी जाएगी जब उनका ATAR कम से कम 85% या फिर उसके बराबर या उनके पास कोई क्वालिफिकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के नंबर कम से कम 65 होने चाहिए तभी उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी, और स्कॉलरशिप के लिए अलग से कोई भी आवेदन देने की जरूरत नहीं है। UWA का एडमिशन विभाग छात्रों के नंबरों के आधार पर उनका आकलन करेगा। स्कॉलरशिप के लिए जिस भी छात्र को चुना जाएगा उन्हें इस बारे में बता दिया जाएगा। स्कॉलरशिप के अमाउंट के जरिए छात्रों की ट्यूशन फी पर कम कर दी जाती है। व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप है फ्री, लेकिन ये कैसे काम करता है? इस सर्विस के लिए आम यूजर्स से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। हालांकि लगातार ये चल जरूर रहा था कि चार्ज लिया जाएगा, लेकिन कोई चार्ज लिया नहीं जाता, इस तरह की बात भी की जाती। अब आपको ये मालूम है कि व्हाट्सएप एक पॉपुलर मैसेजिंग ऑडियो वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है, इसके इस्तेमाल पर कोई चार्ज नहीं होता। तो सवाल उठता है कि आखिर व्हाट्सएप की कमाई का सोर्स क्या है? जैसा कि आपको पता है कि कोई सर्विस फ्री नहीं मिलती और फ्री चल भी नहीं सकती, क्योंकि व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए एक बड़े स्टाफ की जरूरत होती है जिसमें इंजीनियर से लेकर तमाम लोग शामिल होते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में आपको बताता हूं कि दुनिया के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप से एक व्हाट्सएप कमाई कहां से करता है। व्हाट्सएप के मौजूदा वक्त में यूजर 2 बिलियन से ज्यादा है। अब इन्वेस्टोपीडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि व्हाट्सएप ने साल 2021 में 71,191 करोड़ रुपए की कमाई की। चौंक है, व्हाट्सएप को जेनकॉम और ब्रायन एक्टन ने शुरू किया। इसकी शुरुआती साल 2009 में हुई। अगर कमाई के तरीके की बात की जाए तो व्हाट्सएप कमर्शियल मोड से कमाई करता है। साधारण शब्दों में चर्चा अगर करें तो व्हाट्सएप आम यूजर्स के लिए फ्री है, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए अमाउंट चार्ज करता है। कैसे करता है इसको सुन लीजिए। अगर टेक्निकल टर्म समझ रहे ना आप, अगर टेक्निकल टर्म में समझें तो व्हाट्सएप 3 तरह से कमाई करता है। पहला, व्हाट्सएप कमर्शियल मैसेज से। दूसरा, व्हाट्सएप लोगों के डेटाबेस को बेचकर कमाई करता है। और इसके अलावा व्हाट्सएप ऐप परचेज आप करते हैं उसके जरिए भी कमाई करता है।
आपको बता दें कि व्हाट्सएप चलाने के लिए आपको पैसे देने थे। हालांकि साल 2014 में व्हाट्सएप को मार्क जुकरबर्ग ने खरीद लिया और इसके बाद व्हाट्सएप को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया था। व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ऐप की शुरुआत साल जो है वो 2018 में हुई। व्हाट्सएप ऐप बड़ी कंपनियों के मैसेज भेजने के भी चार्ज लेता है, पैसे लेता है। साथ ही कंपनी बिजनेस वेरीफाई का ऑप्शन भी पेश करती है। इसके अलावा व्हाट्सएप में लगातार बदलाव होते रहते हैं जिसमें यूजर्स की जरूरत को पूरा किया जाता है। हाल ही में कंपनी ने HD फोटो और वीडियो भेजने की सुविधा दे दी। अब इसके साथ ही व्हाट्सएप पर मैसेज एडिट करने की सुविधा भी आ चुकी है। तो ये तमाम सारी सुविधाएं हैं और आप सोचते हो 71,000 करोड़ से ज्यादा अगर कमाई कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, मैं तो पैसे देता नहीं। लेकिन जनाब, नाक चाहे इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, बात तो एक ही है। चलिए आगे बढ़ते। मणिपुर के जरीबाम में जारी हिंसा में 12 लोगों के मरने की खबर आई है। मणिपुर में चल रही अशांति के बीच एक महत्वपूर्ण घटना में जरीबाम के पास 12 हथियारबंद लोग मारे गए। मृतक हमलावरों की पहचान में अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक जो रिपोर्ट निकल कर आई है उस रिपोर्ट से पता चला है कि इलाके में हमले के प्रयास किए गए, सशस्त्र बदमाशों द्वारा इलाके को निशाना बनाया गया, मुठभेड़ शुरू हो गई है, जिसके बाद से CRPF ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की। दुख की बात है कि ऑपरेशन के दौरान एक CRPF का जवान भी शहीद हुआ। मणिपुर शांत नहीं, यह घटना जरीबाम में बड़ी हिंसा के मद्देनजर सामने आई, जहां पहले 7 घरों में आग लगाई। सुरक्षा बल क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करने के लिए अपना अभियान चला रहे, जबकि हमलावरों की पहचान और उद्देश्यों को पता लगाने के लिए जांच अब भी चल रही है। हालात पर नियंत्रण के लिए अधिकारी स्थिति पर नजर भी बनाए। वकीलों की बड़ी बात कर लेते हैं। आपको गाजियाबाद याद होगा और गाजियाबाद में वकीलों का जो आंदोलन था जिसमें खूब जमकर जज और वकीलों के बीच हंगामा हुआ, वो भी आपको जारी होगा। पुलिस ने लाठी डंडे चलाए, वो भी आपको पता होगा। तो जनाब, जिला जज कोर्ट में 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने कचहरी के सामने हापुड़ रोड पर जाम लगा। वकील जिला जज को बर्खास्त करने और लाठी चार्ज करने पर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वकीलों की हुई बैठक में सोमवार से प्रतिदिन 2 घंटे के लिए रोड जाम करने का निर्णय लिया गया और इसी निर्णय के तहत आज वकील सड़कों पर बैठ गए। इसको देखते हुए ट्रैफिक विभाग के तमाम पुलिस अधिकारियों के पसीने छूट गए और ट्रैफिक पुलिस ने हापुड़ चुंगी और पुराने बस स्टैंड से वाहनों को एक दूसरे मार्गों पर डाइवर्ट किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक वहां होता है। लेकिन वकीलों ने कबीनगर वाली सर्विस रोड भी ब्लॉक कर दी। अब एडिशनल DCP यातायात पीयूष कुमार सिंह का कहना है कि हापुड़ चुंगी पुराने बस अड्डे और नए बस अड्डे से ट्रैफिक को हमको डाइवर्ट कर रहा है, हमने किया भी। आंदोलन तेज करने के लिए बार एसोसिएशन ने व्यापारियों उद्योगपतियों समेत दूसरे जिलों के बार एसोसिएशन को से भी सहयोग मांगा। लाठीचार्ज की घटना के बाद दिवाली की छुट्टियों के चलते कोर्ट बंद थी। 4 नवंबर को कोर्ट खुलने के दिन वकील हड़ताल पर चले गए। कचहरी में वकीलों ने धरना दिया। वकील जिला जज को बर्खास्त करने के लिए मांग कर रहे हैं और जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया उन पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो अड़े हुए। 8 नवंबर को कचहरी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वकीलों की हुई बैठक में यह तय कर लिया गया कि इन सभी जिलों में वकीलों की मांग माने जाने तक हड़ताल रहेगी। अब इसके अलावा वकील 16 नवंबर को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पूरे उत्तर प्रदेश के वकील गाजियाबाद में होने वाली घटना के विरोध में तैयारी के लिए जुट गए। बार एसोसिएशन के सचिव अमित नेहरा का कहना है कि 16 नवंबर को होने वाली बैठक में बड़ी संख्या में वकीलों के आने की उम्मीद है। जिला अधिकारी को भी बैठक की सूचना दे दी गई है। आपको यह भी बता दें कि 22 जिलों के वकीलों की एक अहम बैठक है जिसमें तय किया गया कि हाईकोर्ट बेंच, केंद्रीय संघर्ष समिति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के सभी अधिकार आंदोलन जारी रखने तक एसोसिएशन गाजियाबाद को देती है। अब गाजियाबाद से ही पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों के आंदोलन से जुड़े निर्णय लिए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि करीब 3 घंटे चली इस बैठक में
गाजियाबाद समेत बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद समेत 22 जिलों के वकील यहां पर मौजूद थे। यानी कि हंगामा अभी और बढ़ने